भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है हमारी समृद्ध विरासत रही है हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है का तरणी ही लोला गतवरा गामिनी तरी ही जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है दीर्घिका तरुणी लोला गत्वरा, गामिनी, जंगाला प्लाविनी धारिणी वेगिनी हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे वेदों में भी नौकाओं जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे भारत के पास प्रतिभा थी अनुभव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो 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 आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं मुझे विश्वास है भारतीय की दा की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा